आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से क्लिनिक का व्यवसाय खोलकर चलाने से मरीजों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। इससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवासीय लोगों का कहना है कि क्लिनिक में बिना किसी वजह से भी लोग आते जाते रहते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है। राजधानी देहरादून के राजापुर क्षेत्र में अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर बैठे लोगों से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि क्लिनिक पर मरीज से ज़्यादा बेवजह लोग बैठे रहते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है। लोगों ने बताया कि वो इसकी शिकायत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भी दे चुके हैं, लेकिन क्लिनिक वालों के रसूख के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि डॉक्टर के पास किसी प्रकार की कोई डिग्री भी नहीं है, ना ही उत्तराखंड में किसी प्रकार से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर इस फर्जी कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। डॉक्टर लोकल की रहने वाली है, लोकल के रहने के बावजूद भी वो अपने घर में काम ना करके दूसरी सोसाइटियों में जा जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि दूसरी सोसाइटी में क्यों जा रहे हैं, अपने घर में काम क्यों नहीं कर रहे या कॉमर्शियल प्लेस में जगह लेके क्यों नहीं कर रहे। हमने इसके खिलाफ MDDA में कंप्लेन भी करी है, MDDA ने इनको नोटिस भी दिया है और MDDA ने सीलिंग ऑर्डर भी जारी किए हैं। ये सीलिंग ऑर्डर की कॉपी है और सीलिंग ऑर्डर जारी करने के बाद भी MDDA भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेने को तैयार हो रहे हैं। MDDA ये बोल देता है कि हमने ऑलरेडी लेटर जारी कर दिया है, अब जिसको जो करना है वो जना अपना काम करेगा। अब अगर एक सोसाइटी के अंदर बाहर से लोग आएंगे, आज एक अच्छे नागरिक का क्या फर्ज बनता है कि कोई सोसाइटी के बाहर से आए अगर वो रेकी करेगा और कल किसी के यहाँ हादसा हो जाए तो कल यही सरकार और यही शासन हम पे दोष लगाने वाला है। आप पढ़े लिखे लोग होके आप अपडेट नहीं कर सकते थे। मुझे तो ये भी डाउट है कि यहाँ किरायानामा सरकार के पास पुलिस थाने में रजिस्टर हुआ भी या नहीं हुआ, सत्यापन की कार्यवाही हुई भी है या नहीं हुई है, और क्यों यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। कल कोई हादसा हो गया तो क्या यही शासन ये पुलिस हमारे को सपोर्ट करेगी? आज हम सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि आप फ्यूचर में होने वाली किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करें। हम जानते हैं इस तरह की एक्टिविटी पहले भी देहरादून शहर में बहुत जगह हुई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।